को ऐसे पैक करना है कि मिनिमम वॉल्यूम उनके बीच छूटे, ठीक है? सर एक क्वेश्चन हैं? था सर, आपने एफबीएस करते वक्त एक बात कहा था कि दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के मोस्टली जेई जिसमें क्लोजेस्ट एटम सर, उसके अगर ऑल एग्जांपल अभी पहले जो हो रहा है वो देखो बेटा, हैं? तो कैसे रखने पड़ेंगे आइटम एक के बाद एक, ऐसे रख के? ये तो एक लाइन बन गई, अब अगली लाइन कैसे रखते हैं बताओ। आर डिस्टेंस के राइट में रख दे दो ऐसे स्फीयर्स। सर जी इधर ऐसे वॉइड की स्पेस दिख रही है वैसे उधर नीचे। ऐसे यस यस सर, सर, एक और यस रख सर। दो। तो ऐसे अगली लाइन लग दी, ठीक है, और रखते गए। अब तीसरी लाइन कैसे रखूं? फर्स्ट के पैरेलल। फर्स्ट जैसे रखो सर। बिल्कुल फर्स्ट वाली को रिपीट कर दूं। यस अरे सर। और सिमिलरली फोर्थ वाली कैसे रखूं? सेकंड वाले को रिपीट कर। सेकंड को सेकंड रिपीट कर। तो इस तरह हम ये रिपीट करते जाए एक के बाद एक, वी विल गेट अ लेयर ऑफ क्लोजली पैक्ड एटम। यस सर। लेट्स कॉल दिस लेयर एज लेयर ए, ठीक है? कितना बनाओ पहले डायग्राम? डन सर। डन सर। हाँ, अब इसके ऊपर अगली लेयर कैसे रखें? एक मिनट, 10 मिनट, सम 10 मिनट, 2 मिनट। सर आप कुछ लिख रहे हो? सर जस्ट वेट 2 मिनट, ये तरह टैब में प्रॉब्लम हो रही है, आई एम रीस्टार्टिंग द टैब, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके? यस सर।
हाँ यस, तो ये क्लियर हो गई पैक्ड एटम्स की, करेक्ट? यस सर। यस, अब इसके ऊपर मुझे दूसरी लेयर रखनी है, कैसे रखूं सर? ये जो बीच में वो जो स्पेस है ना पॉइंट, वहां पे एक स्फीयर डाल देंगे। अब सुनो, ये सात एटम्स देखो इस लेयर के, ठीक है? इस इनके बीच कितने गैप दिख रहे हैं? छह। मैं जरा उनमें कलर कर देता हूं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन ये दिखे, और ये फोर, ये फाइव, ये से, करेक्ट? यस। अब जब हमें इसके ऊपर लेयर रखनी है तो हम चाहेंगे गैप्स फिल हो, ठीक है? यस। हम सिर्फ तीन कर पाएंगे, तो कोई तीन कर पाएंगे, या तो तीन येलो वाले या तीन ग्रीन वाले, वो हमारी चॉइस है, करेक्ट? ओके यस सर। यस सर। यस, तो मान लो तीन येलो वाले करना चले, तो अगला आइटम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है? यस सर। यस सर। तो भी सर, बट वो कंप्लीटली कवर नहीं होगा ना? पूरा नहीं कवर होगा, थोड़ा कवर होगा, वही बेस्ट है ना जो हम कर सकते हैं। हाँ तो सर, मतलब कम्प्लीटली कवर कोई भी केस में नहीं होगा। कम्प्लीटली कवर कैसे कर पाएंगे, वो अजीब की शेप है, करेक्ट? हाँ राइट, ओके। तो अब देख रही हो, ग्रीन के ऊपर हम लोग एटम नहीं रख पाएंगे। हाँ, तो अब हमें अगला एटम इस लेयर का यहाँ रखना पड़ेगा इसे, सही है? हाँ सर, ओके। फिर एक यहाँ पे, तो इस तरह ये येलो एटम्स की एक लेयर बन जाएगी, दिस वीज कैंसिल लेयर बी, करेक्ट? ठीक है। यस सर। अब इसके ऊपर तीसरी लेयर कैसे रखे? ग्रीन एटम सर, इसके पीछे डाल देंगे, मतलब ये व्हाइट वाला जो गैप है उसमें, वाली लेयर थी व्हाइट कलर की, वैसे ही ऊपर आ जाएंगी। वैसी व्हाइट की भी रख सकते हैं, और चाहे तो ग्रीन वाले भी फिल कर सकते हैं, करेक्ट? दो ऑप्शन है फिर, तो अगर व्हाइट वाले ही भर दिए तो फिर से लेयर ए मिल जाएगी, करेक्ट? यस सर। लेयर ए के ऊपर हम रख रहे थे लेयर बी, तो मतलब फिर से बी, तो ये कैसी पैकिंग हो गई, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग हो गई ना, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो इसको हम कहते हैं टू लेयर्ड क्लोजेस्ट पैकिंग, चलो पहले इतना डायग्राम बनाओ, पिछला वाला बनाओ सर। हाँ बोलो सर, बट अगर इसके ऊपर ग्रीन का किया होता, मतलब करेंगे अभी, कर रहे हैं वो भी। ओके ओके सर। सर इस पैटर्न में सिर्फ दो ही लेयर होंगे, ए बी पैटर्न में? हाँ दो ही लेयर है ए बी में भाई, व्हाइट के ऊपर येलो, येलो के ऊपर फिर व्हाइट, व्हाइट के ऊपर फिर येलो, करेक्ट? यस सर। डन सर। डन। अच्छा अब दूसरा ऑप्शन क्या था, येलो के ऊपर ग्रीन रख दे, मतलब वो एक तीसरी लेयर हो गई लेयर, करेक्ट?
अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, व्हाइट वाले में दो ऑप्शन थे मेरे पास, येलो या ग्रीन। हमने व्हाइट के ऊपर येलो रखा, करेक्ट? यस सर। व्हाइट के पीछे भी तो येलो और ग्रीन दो ऑप्शन होंगे। व्हाइट के येलो रख रहे हैं, पीछे भी येलो रखी तो बना ए बी ए बी। व्हाइट के आगे येलो रखा, पीछे ग्रीन रखा, तो हमें किस टाइप की पैकिंग मिल गई? एबीसी 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 टाइप ऑफ पैकिंग। तो दो टाइप की क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, एबी एबी और एबीसी एबीसी। एबी एबी टू लेयर क्लोजेस्ट पैकिंग, एबीसी एबीसी थ्री लेयर क्लोजेस्ट पैकिंग। करेक्ट? यस सर। Yes. सर पर मोर दोनों सेम ही होंगे सर, दोनों सेम होंगे क्योंकि भाई इक्वल नंबर ऑफ वॉइड भी फिल हो रहा है ना दोनों में, आगे तीन पीछे तीन, बस डिफरेंस क्या है, आगे येलो तीन पीछे तीन येलो, या आगे तीन ग्रीन पीछे तीन येलो। करेक्ट सर, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता ना। देखो नेचर में हमें यही दो मिलती है, बाकी तो फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है, ए बी ए सी ए बी ए सी ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट? ओके। और सर सेम वाले के ऊपर नहीं आ सकता ना, लाइक येलो के ऊपर येलो नहीं आ सकता। येलो के ऊपर ए रख दिया तो क्लोजेस्ट पैकिंग कहाँ हुई, फिर तो गड़बड़ पैकिंग हो गई ना। हाँ हाँ ठीक, यही रख दिया तो व्हाइट में कहाँ रखता। हाँ ओके ओके, तो दोनों की पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल है। चलो निकालते हैं, तो एबी एबी टाइप का जो पैकिंग है इसको हम और क्या कहते हैं, दूसरा नाम है हेक्सागनल क्लोजेस्ट पैकिंग। ये नोट करो और इसका यूनिट सेल मैं बना रहा हूं, उसको नोट करो। पहले ऐसा बनेगा यूनिट सेल, भाई वो सात एटम जो लेयर ए के देखे थे वो एक हेक्सागन बना रहे थे। करेक्ट? यस सर। तो ये हेक्सागन, ये लेयर ए, उसके ऊपर लेयर बी और फिर से लेयर ए, तो फिर से ये एक हेक्सागन और बीच में तीन येलो एटम। करेक्ट? लेयर बी वाले सही है? यस यस सर। I'm giving you 10 minutes. I want a correct Z effective and packing fraction for this unit cell. कल last class में इतना किया है, ढंग से इसका निकालो, okay?
आया किसी को? सर जेड इफेक्टिव सिक्स आया। यस सर। जेड इफेक्टिव सिक्स करेक्ट है। कैसे आएगा जेड इफेक्टिव? सर 12 × 1/6 प्लस 2 × 1/2 प्लस 3 × 1 और किसी को कुछ? तो पाई बाई 3 √2 कैसे आया बताओ? तो पहले मैंने एरिया ऑफ हेक्सागन निकाला। एक मिनट, 6 × 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम रखना यूनिट सेल का, तो कैसे रख रहे हो? एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू हाइट, करेक्ट? यस सर। और एरिया ऑफ हेक्सागन बताओ? √3/4 हेक्सागन को मैं 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में बांट सकता हूं? यस सर, 6 × √3/4 स्क्वायर हो जाएगा। 6 × √3/4 ए स्क्वायर, और इस ट्रायंगल की लेंथ क्या होगी? एज लेंथ 2r, yes. तो उसका स्क्वायर 4r² into height of hexagon, height कितनी होगी? 2r, 4r, 4r 2/√3 सर ये कैसा आया? height कैसा है? चलो height का बता दीजिए। हाँ देखो, चलो ये जो तीन atoms का triangle है ना, इसको मैं कहता हूँ PQR, ठीक है? और मान लो इसका centroid है एम पे, तो अगर मैं इधर बनाऊ पी क्यू आर और सेंट्रोइड एम पे, तो पीएम की लेंथ क्या होगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल में कॉर्नर से सेंट्रोइड की लेंथ ये होती है? हाँ सर। यस सर। तो मतलब 2r/√3, और ये जो येलो एटम है इसको अगर मैं एन कहूं, तो ये डायरेक्टली सेंट्रोइड के ही ऊपर होगा? यस सर। तो मतलब PNN एक राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट? यस सर। MN की लेंथ कितनी है? h/2। यस सर। यस। 2r/√3 और PN होगा 2r। भाई N वाला एटम P वाले एटम को टच कर रहा है ना, दो टचिंग स्पीयर्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2r होगा ना? यस सर। यस, अब निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के। यस सर। यस सर। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आता है π/3 विच इज 74 का। ये अगर याद हो किसी और के लिए भी निकाला था हमने, याद है ये? सर ये हमने फेस सेंटर में निकाला था, फेस सेंटर क्यूबिक का, करेक्ट? और यहां से भी हमने ये लॉजिक से निकाला है कि ये बेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन है, करेक्ट? इससे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन अचीव नहीं हो सकता, ये क्लोजेस्ट पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन है, करेक्ट? यस 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 सर। मतलब दिस सेंटर क्यूबिक भी कोई क्लोजेस्ट पैकिंग थी, करेक्ट? यस सर। यस और नो? यस सर। तो फेस सेंटर क्यूबिक भी कोई क्लोजेस्ट पैकिंग थी, और दूसरी क्लोजेस्ट पैकिंग मेरे पास है कौन सी? सिर्फ एबीसी, एबीसी वाली, करेक्ट? बीसीसी। मतलब एबीसी, एबीसी वाली भी किसी टाइप की क्लोजेस्ट पैकिंग है, एंड दिस क्लोजेस्ट पैकिंग इज नथिंग बट फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ओके? तो इसको हम लोग भी ऑल्सो कॉल इट एज क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, ठीक है?
सर एक छोटा डाउट था जेड इफेक्टिव, सर जेड इफेक्टिव में प्लस थ्री इंटू वन वो वाले कौन से आइटम से? येलो वाले तीन आइटम जो बीच में है सर, वो कैसे है समझे? नहीं, हेक्सागन के अंदर ही है ना? यस सर, सर पर ये तो हेक्सागन के कॉर्नर सॉरी और व्हाइट वाले फेस सेंटर के सेंटर में हो गए, पर वो तीन कैसे हैं बीच में? लेयर ए के ऊपर तुमने तीन येलो रखे थे ना लेयर बी के? यस सर। फिर ऊपर लेयर ए? हाँ यस सर उसके फेस सेंटर। यस सर गॉट। हो गया सर। हाँ 12 इनटू 1 बाय 3 होना चाहिए था ना सर? 1 बाय 3 क्यों? तीन हेक्सागन ये बनेंगे और तीन इसके ऊपर आएंगे, 6 हेक्सागन हो गए। सर उसके ऊपर वाले तो सर उसमें गैप होगा ना सर? गैप क्यों होगा भाई, ये हेक्सागन वाली लेयर 2 हेक्सागन में आएगी ना, इसके ऊपर का हेक्सागन ठीक इसके ऊपर इसके नीचे वाला ऐसे ही शुरू होगा ना। ओके सर। यस सर। बी के तीनों आइटम्स परफेक्टली प्रिज्म के अंदर कंटेन्ड होते हैं। बी के तीनों आइटम्स परफेक्टली प्रिज्म के अंदर कंटेन्ड होते हैं। देखो बी का ये जो आइटम है ये तुम ऐसे देखोगे तो इसका थोड़ा सा पार्ट बाहर है हेक्सागन से, करेक्ट? यस। दिख रहा है ना थोड़ा बाहर है, करेक्ट? लेकिन अगले हेक्सागन के येलो आइटम का उतना ही अंदर होगा, समझ रहे हो? अच्छा हाँ। तो वो इफेक्टिवली हम मान सकते हैं तीनों अंदर है, ठीक है? यस। चलो अब करते हैं वॉइड्स इन क्लोजेस्ट का। तो हम लोगों ने ये देखा कि बेस्ट पैकिंग होने पे भी 26% जगह खाली है, करेक्ट? सिर्फ 4% जगह पे एटम्स है। तो इन वॉइड्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो क्लोजेस्ट पैकिंग में दो तरीके के वॉइड्स होते हैं, पहले होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो वॉइड्स होते हैं कैविटीज विच आर सराउंडेड बाय four atoms making a tetrahedron. Okay? Clear है? Yes, sir. So void मतलब empty spaces ना? हाँ। Okay, sir. Thank you, sir. तो कैसे बनेंगे? देखो तीन व्हाइट आइटम्स थे, करेक्ट? उनके बीच ये वॉइड था, इसके बीच इसके ऊपर ठीक अगर हम एक आइटम रख दें तो क्या वो पूरी जगह भर जा रही थी? यस सर। पूरी कहां भर रही थी, तब भी थोड़ी जगह खाली बचेगी ना सर? पर वो अलग वाले वॉइड की बचेगी, इस वॉइड की तो भर जाएगी। इसी वॉइड की बचेगी, सोचो जरा, इमेजिन करो तीन मार्बल्स रखते हैं उसके ऊपर चौथा मार्बल रख दो तो बीच में क्या पूरा जगह भर जाती है? नो सर, बीच में क्या बचेगा ना, उसी को वो जो बचा है वो दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है? कैविटीज विच आर surrounded
by 6 atoms, making a octahedron. तो याद है व्हाइट के ऊपर हम लोगों ने येलो वाले भरे थे, करेक्ट, और ग्रीन वाले नहीं भरे थे, करेक्ट? यस। तो येलो वाले भरे तो वो क्या बन गए? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, करेक्ट। और जो ग्रीन वाले नहीं भरे वो सब बन जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये तीन व्हाइट के ऊपर जो तीन येलो ऐसे रखे, तो अब ये जो जगह खाली रह गई है दैट इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, क्लियर है? एक चीज और लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड is twice of Z effective and number of octahedral voids is equal to Z effective. So, two closest packing thi hamari HCP or CCP. Z effective kya tha inka 6 or 4, correct? So, HCP ke ek unit cell mein kitne octahedral void honge? 6. और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? 12। पीसीपी के एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे? 4। और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? 8। क्लियर है? यस सर। तो वो कैसे लिखा आपने नंबर ऑफ सी? ये याद रखो, ठीक है? अच्छा सर, एक मिनट के लास्ट पेज। Yes, sir. फेस सेंटर क्यूबिक में वॉइड्स देख लेते हैं कहां पे होते हैं। लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन सीसीपी। तो फेस सेंटर क्यूबिक हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जिसके 6 नेबर्स है, ऐसी कैविटी जिसको 6 एटम सराउंड कर रहे हैं। तो फेस सेंटर क्यूबिक में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं बताओ? एजेस और फेस के सेंटर पे, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, ठीक है? यस सर। तो ये जो क्यूब का सेंटर है ये एक खाली जगह है और इसके नेबर्स देखो कौन कौन है। सारे 6 फेस सेंटर्स वाले इससे a बाय 2 के डिस्टेंस पे है। यस यस सर। ये 6 नेबर्स हैं, ये 6 नेबर्स को सराउंड कर रहे हैं। तो पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होता है? एट बॉडी सेंटर, ठीक है? यस सर। इस सेंटर क्यूबिक में बॉडी सेंटर इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक तो ये हो गया, कितने और ढूंढने हैं? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 4। तीन और ढूंढने। अगला ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो होगा एट एज सेंटर, यहां पे। इसके 6 नेबर्स कौन है? ये दो कॉर्नर वाले, एक फेस सेंटर वाला, एक ये फेस सेंटर वाला, एक इसके आगे जो क्यूब है उसका फेस सेंटर, एक ऊपर जो है उसका फेस सेंटर। क्लियर? यस सर। यस सर।
तो अगला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है एट एज सेंटर, और ऐसे कितने होंगे क्यूब में, कितनी एजेस होती हैं? 12। यस सर। और इसका कितना कंट्रीब्यूशन इस क्यूब में है? 1/4। यस सर। इफेक्टिवली 3 हो गए, ये 1 हो गया। तो दीज आर द 12 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है? यस सर। कर लिया नोट? वेट सर, प्लीज शो प्रीवियस पेज। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट पेज दिखाइए ना प्लीज। सर एफसीएफ चाहिए क्या ऊपर? क्या ऊपर एफसीएफ होना चाहिए ना? बीसीपी को ही तो एफसीसी कहते हैं, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग को ही तो एफसीसी कहते हैं। ओके सर। सर बॉडी सेंटर में वो 4 फेस सेंटर समझ में, पर वो 2 क्या है? 6 फेस सेंटर है भाई। हाँ सर, सर। Oh, okay. अब देख लेते हैं 12 टेट्राहेड्रल, सॉरी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये यूनिट सेल है, इसको 8 छोटे यूनिट सेल में, 8 छोटे क्यूब्स में काट लो, तो कैसे होगा? उसमें से एक क्यूब ऐसा दिखेगा। करेक्ट। अब बड़ा क्यूब, बड़ा क्यूब एफसीसी है, करेक्ट? तो बड़े क्यूब में एटम्स कहाँ है? कॉर्नर पे और फेस सेंटर्स पे। तो बड़े क्यूब में एटम्स कहाँ कहाँ? एक यहाँ होगा, ये बड़े क्यूब का कॉर्नर है, करेक्ट? यस सर। अब ये चारों एटम एक टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, यस सर। सही है। तो इस क्यूब का जो सेंटर है वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। मैं बना नहीं पा रहा हूं, वो टीवी लिख लेना। ठीक है, समझ गया यार? ऐसे टीवी सर वो मतलब छोटे क्यूब का बॉडी सेंटर पकड़ सकते हैं। बॉडी सेंटर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ओके सर। तो इस तरह के 8 छोटे क्यूब बनेंगे। यस सर। यस सर। हर एक का बॉडी सेंटर एक टीवी है, ठीक है? यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बड़े क्यूब में मैं इसको अगर बोलना चाहूं तो आई कैन से मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग कॉर्नर टू बॉडी सेंटर। यस और नो? यस सर। बड़े क्यूब के कॉर्नर से बड़े क्यूब का बॉडी सेंटर अगर ज्वाइन करो
तो वो छोटे क्यूब का बॉडी डायगोनल हो गया। yes. और उस उसके मिड पॉइंट पे टी वी है, ठीक है। ये सब क्लियर है? yes, sir. चलो तो फिर आप बुकलेट ओपन करो, कॉम्प्रीहेंशन टाइप जो बुकलेट में है, कॉम्प्रीहेंशन, उसमें पैसेज थ्री ऑफ एच सी पी नहीं करी, एच सी पी बाद में करेंगे, ज्यादा जरूरी नहीं है, हम लोग को सब प्रॉब्लम क्यूबिक पे आने, ठीक है। पैसेज थ्री पैसेज फोर करो पहले। सर प्लीज शो प्रीवियस पेज, स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी। यस सर, थैंक यू। चलो सब लोग पैसेज थ्री पैसेज फोर करो।
Okay, complete. Sir, so 2 minute or. Sir, no. Karo karo jaldi complete kar.
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है? ओके सर, पैसेज थ्री का फर्स्ट डिस्कस कर सकते हो? मेरी कोई मिस्टेक है। पैसेज थ्री का फर्स्ट फर्स्ट कितना होता है बताओ? सिक्स। तो एनआरएन छ होंगे। हाँ सर। कैटायन कहाँ कहाँ है? 16.67% ऑफ कोबी। एचसीपी में ओवी कितने होते हैं बताओ? सिक्स। एंड 25% ऑफ टीवी, टीवी 12। हाँ सर। कितना हो गया ये? 1+3 टोटल 4। यस सर। फॉर्मूला हो गया C4A6C2A3। ओके सर, समझा। यस। सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर्स। सर इसका फिफ्थ भी करवाना। फिर कैडमियम आयोडाइड में आयोडीन की एचसीपी है, तो कितने आयोडीन हुए? एचसीपी का नेट इफेक्टिव 6। कैडमियम कहाँ है? सर मैं नंबर ऑफ एटम्स हम जेड इफेक्टिव बताते यार। हाँ तो एक यूनिट सेल का जो फॉर्मूला होगा वही पूरे सॉलिड का फॉर्मूला होगा। यस सर। तो कितने ऑक्टेटल वॉइड होते हैं एचसीपी में? 6। यस सर। उसके आगे में है मतलब कैडमियम 3, तो क्या फॉर्मूला हो गया? सर एक यूनिट सेल में एक ऑक्टाहेड्रल और दो टेट्राहेड्रल। नहीं बेटा, एक यूनिट सेल में जितने एटम्स हैं उतने ऑक्टाहेड्रल और उसके डबल टेट्राहेड्रल। देखो क्या लिखा था। यस सर, जेड इफेक्टिव टू टर्म्स। ये टेबल याद रखो ना जो नीचे बनाई है। अगला डाउट इसका फोर्थ सम एसएच थ्री का 4। कार्बन और आयरन का एक कंपाउंड है, कार्बन सीसीपी बना रहा है, सीसीपी का जेड इफेक्टिव 4। यस। और आयरन एज सेंटर पे है, एज सेंटर 12 और उनका कौन 1/4। तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया है P3C4, सही है? यस सर। अब इसमें कार्बन की परसेंटेज पूछी है। सॉलिड्स में हम परसेंटेज कौन सी परसेंटेज बताते हैं? मास परसेंटेज। तो 4 कार्बन का मास इतना हुआ और टोटल मास इतना हुआ। कर लोगे इसको कैलकुलेट? यस सर। तो कार्बन 4 क्या? कार्बन की सीसीपी है ना, सीसीपी क्या होता था? एचसीसी। अच्छा हाँ यस सर। सर आपने 1/4 से 12 को क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि कार्बन आयरन एज सेंटर में है
और एज सेंटर का एक यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है। ओके यस सर। सर आप क्वेश्चन वन में पैसेज थ्री के बता सकते हैं आपने वापस कैसे किया, फॉर्मूला कैसे लाया? यार जेड इफेक्टिव देखा मैंने, एफसीपी का जेड इफेक्टिव कितना है? छः। छः तो छः ना यार। यस। और केटायन कहाँ कहाँ है? 16.67% ऑफ ओवी, करेक्ट? यस सर। तो 1/6 ऑफ ओवी एंड 1/4 ऑफ पीवी, क्लियर? तो सर आपने उसको सी से इंक्लूड क्यों किया, मतलब क्यों ऐसा किया? प्लस कैटायन दो जगह है ना, प्रॉब्लम में पढ़ो, प्रॉब्लम में क्या दिया है कैटायन की लोकेशन? अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ यस यस। सर सिक्स भी करवा दो। एक्स वाई जेड है, एक्स है बॉडी सेंटर पे, वाई जेड है अल्टरनेट कॉर्नर्स पे, और अब एक बॉडी डायगोनल के अबाउट कॉर्नर वाले आइटम हटा दिए, तो मतलब तीन वाई बचे, तीन कॉर्नर पे तीन जेड और एक्स बॉडी सेंटर पे। कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बताओ? 3 × 1/8 होता है कंट्रीब्यूशन। यस सेक्टर वाला तो पूरा अंदर, तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका? ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला सर, सर उल्टा लिख करेक्ट? यस सर। पैसेज फोर में कोई करना है सर? सेवेंथ और एट्थ। यस सर सेवेंथ और एट्थ। ये तो बेटा अभी डिराइव किया, दो लेयर्स के बीच डिस्टेंस क्या होता था एचसीपी में? डिराइव किया ना, लेयर ए और लेयर बी के बीच डिस्टेंस कितना है? लेयर ए और बी के बीच डिस्टेंस कितना होगा? 2r√2/3, करेक्ट? अच्छा और ए और सी के बीच मतलब दो लेयर 4r√2/3। यस सर। हो गए थे कंप्लीट प्रोसेस, पैकिंग, ऑक्टा एक्सेल, टेक्टा एक्सेल, वॉइड, ये सब समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे लिखो,
ठीक है, आयनिक सॉलिड में अलग अलग साइज के आयन्स होंगे, कैटायन का साइज अलग, एनायन का साइज अलग, करेक्ट। तो आयनिक सॉलिड में क्या होगा, जो बड़ा आयन है वो कोई लैटिस बनाएगा, ठीक है, और जो छोटा आयन है वो इस लैटिस के कोई वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। नोट करा? यस सर। तो कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रिलेटिव साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायन। ओके, यही लिख लेते हैं। एक तो उसको हम लोग कहते हैं, मान लो एक ये है ना, एक ये है ना, एक ये है ना, इनके बीच वॉइड है, अब इस वॉइड में कैटायन, तो कौन सी सिचुएशन इन तीनों में सबसे ज्यादा फेवरेबल या सबसे ज्यादा स्टेबल है? बताओ। सेकंड वाली। सेकंड वाला, थर्ड वाला। भाई ये देखो, ये जो व्हाइट वाले सर्कल्स है ये एनायन है, करेक्ट, एनायन के बीच रिपल्शन होगा, तो एनायन जितना दूर रहे वो अच्छा है, करेक्ट। ये सॉलिड है, ये एटम्स नहीं है, ये आयन है, तो इसमें ये वाली सिचुएशन तो पहली वाली कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें एनायन एनायन कॉन्टैक्ट है, मतलब ऑपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सॉरी सेम चार्ज वाले एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ऑपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये काम तो हो ही नहीं सकता है। ये हो सकता है और ये तो बहुत ज्यादा हो सकता है, करेक्ट। सेकेंड वाले में ऑपोजिट चार्ज वाले भी टच कर रहे हैं, सेम चार्ज वाले भी, तो अट्रैक्शन रिपल्शन को बैलेंस कर जाएगा। थर्ड वाले में ऑपोजिट चार्ज वाले टच कर रहे हैं, सेम चार्ज वाले नहीं, तो अट्रैक्शन रिपल्शन पे ज्यादा होगा,
फर्स्ट वाले में सेम चार्ज वाले टच कर रहे हैं, ऑपोजिट वाले नहीं, मतलब रिपल्शन अट्रैक्शन से ज्यादा होगा, तो फर्स्ट वाला तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, सेकेंड और थर्ड कर सकते हैं। तो सेकेंड वाला जो है वो मिनिमम कंडीशन है, करेक्ट, उससे छोटा अगर कैटायन हुआ तो वो उस वॉइड में नहीं जा पाएगा, अग्रीड? यस। तो क्या कंडीशन लिख सकते हैं अब यहां से, का कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? द साइज ऑफ कैटायन शुड बी एटलीस्ट दैट मच सो दैट देयर इज कैटायन There is cation anion contact along with anion contact. ठीक है? Clear? Sir, इस केस में भी कैटायन पूरे वर्ड को फिल अप नहीं कर पाएगा ना? वर्ड को तो यार कभी कोई नहीं फिल, पूरे वर्ड को यार समझो ना, पूरे वर्ड को फिल करने के लिए ऐसी शेप की चीज चाहिए तुम्हें, ऐसी शेप की कोई चीज मिलेगी क्या? नो सर। तो फिर सर पहले केस में दो कैटायन एक वर्ड को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, दो कैटायन आपस में नहीं रिपेल कर डालेंगे? सर अनायन अनायन कॉन्टैक्ट तो नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए तो वही तो, इसलिए ये क्या वर्ड है, इस वर्ड का मतलब समझो। अच्छा कैटायन इससे बड़ा ही होना चाहिए, कर लिया नोट? अनायन अनायन कॉन्टेक्ट भी जरूरी है ना सर? क्या अनायन अनायन कॉन्टेक्ट भी कंपलसरी है ना साथ में? मिनिमम वाले के लिए, मतलब एक्चुअली इससे बड़ा होना चाहिए ताकि अनायन अनायन कॉन्टेक्ट टूट जाए। ओके अच्छा ओके नोट कर लिया? Yes. चलो इसके नंबर्स की डेरिवेशन सारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सारे तरीके के वॉइड्स के लिए ये रेशियो कितना होना चाहिए। ओके सर आप थोड़े सम्स मार्क करके दे सकते हो होमवर्क के लिए? अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में देंगे होमवर्क। ओके सर थैंक यू। इलेक्ट्रो की बुकलेट ही खत्म कर लो सब, डीपीसी बुकलेट जितना उसके इलेक्ट्रो का काम बचा है वही करो, ठीक है? आप एक बार बता सकते हो एबीसी एबीसी को आपने एफसीसी क्यों बताया? क्योंकि एचसीपी का पैकिंग फ्रैक्शन 74 आया। यस सर। और ये एफसीसी का भी था। यस सर। मतलब एचसीसी भी कोई क्लोजेस्ट पैकिंग है। यस सर।
और मेरे पास दूसरी क्लोजेस्ट पैकिंग सिर्फ एबीसी बची है। ओके यस सर। बोलो इसमें ए और लेयर बी के बीच डिस्टेंस एच बाय टू है ना? यस। सो हमने जो रिलेशन निकाला जेड इफेक्टिव एंड वॉइड्स के बीच में, सो इट्स एन ऑब्जर्वेशन और इट्स अ प्रॉपर प्रूफ? प्रूफ किया भाई, ज्योमेट्री से और क्या चाहिए तुम्हें? प्रॉपर ज्योमेट्री से निकाला है ना, कैलकुलेशंस की है। सो ये वाला नहीं, सो वॉइड्स वाला। क्या वॉइड्स? वॉइड्स इक्वल्स हां ये प्रीवियस वाले, ये दिस वन। सो इसका प्रूफ भी है लेकिन तुम्हारे लिए कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। चलो बाय एवरीबॉडी।